तो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट डाटा में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नीड शेयर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नीड शेयर को मैं मैक्सिमम ओपन किया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 472% की तेज़ी देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँगा तो यहाँ पर ही 300-350% की रिटर्न दे दिया था। लिस्टिंग हुआ था दोस्तों 2002 में और 9 में अच्छा खासा रिटर्न दिया था। उसके बाद भयंकर गिरावट हुआ 2009 में। उसके बाद दोस्तों अभी वही फेज में चल रहा था और जब एक लॉकडाउन लगा था तो यहाँ पर दोस्तों 67 तक आ गया था, लेकिन अभी देखिए 200 तक गया था, अभी थोड़ा 190 में ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। टेलीग्राम चैनल आपको नीचे मिलेंगे, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम NSE की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और थोड़ा यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखिए सेलिंग प्रेशर आया है और ये देखिए मई महीने में 85 रुपये में ट्रेड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए जनवरी आते आते यहाँ पर दोस्तों 210 रुपया ये लगाया है, 52 हाई को तोड़ा है और 46% की डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1300 से यहाँ पर देखिए 579 यानी गिरावट में कंपनी अभी चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर बायबैक भी अनाउंसमेंट हुआ था 23 फरवरी 2021 को। उसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट भी अनाउंसमेंट हुआ था। यहाँ पर प्रमोटर कोई भी शेयर गिर भी नहीं रखे हैं, प्लस पॉइंट है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 2500 करोड़ की मार्केट कैप है और करंट प्राइस 190 चल रहा है, हाई लगाया था 211 और लो लगाया था 86। अगर सेक्टर पे देखेंगे तो 24 है, बुक वैल्यू यहाँ पर 117 है। डिविडेंड कंपनी 5.23 प्रोवाइड करता है। ROC देख सकते हो 2.59 है और ROE देख सकते हो 114 है, यानी बहुत ही अच्छा रिटर्न ये कंपनी दिया है। और दोस्तों बहुत ही वोलेटाइल शेयर है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कंप्यूटर एजुकेशन में काम करता है और नंबर वन कंपनी है उसी फील्ड का। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट ही देखेंगे 26 से 42 करोड़, यानी कंपनी प्रॉफिट दर्ज किया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंपनी का देखेंगे, वो क्वार्टरली रिजल्ट था, यहाँ पर देख सकते हो 1327 करोड़ से 97 करोड़, यानी कंपनी थोड़ा सा गिरावट में चल रहा है। और यहाँ पर शेयर कैपिटल अगर हम देखेंगे 28 है, रिजर्व कंपनी के पास 1522 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा देखिए 166 था, अभी देखिए 50 कर दिए, यानी कर्जा भी चुका रहे कंपनी। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे देखेंगे किसके पास कितना होल्डिंग है, तो यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर के पास 34 है और दोस्तों यहाँ पर अगर देखोगे फॉरेन इन्वेस्टर के पास 22 है और DI वालों के पास 11 है और गवर्नमेंट के पास 0.01 है और पब्लिक के पास 31 है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीन और पब्लिक यहाँ पर अच्छे क्वांटिटी उठा के रखे हैं। और दोस्तों ये जो 2020 गया इस कंपनी के लिए बेस्ट था, क्योंकि दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस किया है और भी तेज़ी यहाँ पर आपको मिल सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 200 रुपया है, अगर 200 रुपये में ये एक दो दिन रुक जाता है तो यहाँ पर हाई लगाने के लिए और भी हाई लगाने के लिए चांसेस है। तो दोस्तों जो लोग बाय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं बाय कर सकते हो। मैं भी खुद मैं 100 क्वांटिटी बाय किया हूँ, टेलीग्राम चैनल में अपडेट दे दूँगा, दिखा दूँगा। 300 समथिंग पॉजिटिव रिटर्न है। जो लोग बाय करना चाहते हो कर सकते हो, जो लोग जो होल्ड करना चाहते हो वो भी होल्ड कर सकते हो। प्रेस बाय करने के लिए दोस्तों थोड़ा वेट कीजिए और थोड़ा शेयर नीचे जाएगा तभी आप बाय कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी दोस्तों लाइक कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।